कहीं जुल्फ का बादल ओ हो, कहीं रंगिया चल आहा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल, जिसे आप घर पे ही बना सकते हैं सिर्फ दो चीज़ों से। ये हेयर ऑयल इतना इफेक्टिव है कि अगर आप इस हेयर ऑयल को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, बाल काले होने शुरू हो जाएंगे और बालों में स्ट्रेंथ आ जाएगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। इस नेचुरल हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीजें, प्याज और तिल का तेल। हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको चार प्याज लेने हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे प्याज चुनें जो थोड़े सूखे हो। सूखे प्याज की पहचान यही होती है कि जब आप प्याज को दबाएं तो वो दबे नहीं। और हाँ, लाल प्याज लेना है, क्योंकि ये लाल प्याज ही है जिसमें भरपूर सल्फर होता है जो हेयर फॉल रोकता है, बालों को सफेद नहीं होने देता और बालों को घना और मजबूत बनाता है। चारों प्याज को आप छोटा छोटा चॉप कर लें। दूसरा इंग्रेडिएंट है तिल का तेल। तिल के तेल को आयुर्वेद में तेलों का राजा कहा जाता है, जो बहुत इजीली और डीपली स्कैल्प में पेनिट्रेट कर जाता है। तिल का तेल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है, जिस वजह से ये डैंड्रफ की समस्या भी आने नहीं देता। अब गैस पे एक लोहे की कढ़ाई रखते हैं। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना तेल बालों को नेचुरली तरीके से काला करता है और दूसरा आयरन कंटेंट भी बालों को स्ट्रेंथ देता है। जब कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो उसमें आधा लीटर तिल का तेल डाल दें। गैस को धीमी कर दें। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल दें। अब प्याज को 20 मिनट तक अच्छे से पकाएं। चलाते रहें ताकि प्याज जले नहीं। 20 मिनट में प्याज अच्छे से भुन जाएंगे और तेल का रंग डार्क हो जाएगा। अब इस तेल को 4 घंटे के लिए ढक के रख दें। तेल ठंडा हो जाएगा और प्याज का पूरा असर तेल में आ जाएगा। 4 घंटे बाद तेल को छान कर एक बोतल में भर के रख लें। बचे हुए प्याज को फेंक दें। बस अब ये रियल अनियन ऑयल रेडी है आपके बालों पे लगाने के लिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इस तेल को कैसे लगाएं ताकि पूरा फायदा मिले, और साथ में बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर लोग इस ऑयल के बारे में पूछते हैं। इस तेल को कब और कैसे लगाएं? इस नेचुरल होममेड अनियन हेयर ऑयल को आप दो तरीके से इस्तेमाल करें। पहला तो नॉर्मल हेयर ऑयल, मतलब सुबह नहाने के बाद थोड़ा सा तेल हाथों के बीच में रख कर अच्छे से रब कर लें। इससे थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब इस तेल को बालों पे लगा लें। दूसरा तरीका है, इस तेल से रात को सोने से पहले अपने हेयर और स्कैल्प की मसाज कर लें। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अब तक किया गंदा ना हो इसके लिए एक टॉवल बिछा लें और सारी रात लगा रहने दें। इससे ये बहुत जल्दी फायदा देगा। सुबह फिर नहाते हुए शैम्पू कर लें। पहला तरीका तो रोज अपनाएं, बाकी दूसरा तरीका हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो करें। इस ऑयल का असर कितने दिनों में आने लगेगा? दोस्तों, जैसे कोई खराब चीज एक ही दिन में नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई अच्छी चीज एक ही दिन में फायदा नहीं करती। लेकिन हाँ, ये अनियन हेयर ऑयल को अगर आप 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा दिखने लग जाएगा। कैसे माने कि ये हेयर ऑयल सच में असरदार है? दोस्तों, लाल प्याज के रस में काफी मात्रा में सल्फर होता है, जो ना सिर्फ बालों का झड़ना बंद करता है बल्कि बालों की ग्रोथ भी इंक्रीज करता है। आयुर्वेद में तो लाल प्याज के बालों के लिए खूब फायदे बताए ही हुए हैं, लेकिन आज इस बात को मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। 2002 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ने कुछ दिन लगातार प्याज के रस से बाल धोए और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ पानी से। तो ये पाया गया कि जिस ग्रुप ने प्याज के रस से बालों को धोया था, उनके बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा हुई। प्याज का रस कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे न्यू हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं और ये स्कैल्प एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। प्याज के रस में कैटलेस नाम का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है, जो सफेद बालों को काला करने में मदद करता है। फिर सवाल उठता है कि अनियन हेयर ऑयल तो मार्केट में मिल ही जाता है, तो घर पे क्यों बनाएं? जब से अनियन ऑयल के बालों के लिए बेनिफिट्स साइंस द्वारा प्रकाशित हुए, तब से मार्केट में अनियन हेयर ऑयल की लाइन सी लग गई है। लेकिन मार्केट में जो अनियन हेयर ऑयल
हैं उनमें तीन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला तो ये कि वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। अब जहां इमामी का केश किंग आयुर्वेदिक अनियन हेयर ऑयल का 200 ml आपको पड़ेगा 337 रुपए का, वहीं ये जो हमने घर पे अनियन हेयर ऑयल बनाया है उसका 200 ml आपको पड़ेगा सिर्फ 64 रुपए का। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कमर्शियल अनियन हेयर ऑयल्स में अनियन की एक्चुअल कंसेंट्रेशन बहुत लो होती है। जैसे इसी केश किंग अनियन हेयर ऑयल के 100 ml में सिर्फ 0.5 ग्राम अनियन जूस है। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ मार्केटिंग के चलते अनियन को इंग्रेडिएंट्स में डाल देती हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये कि सब कुछ होते हुए भी तेल में केमिकल फिलर्स डाले जाते हैं, जैसे केश किंग सो कॉल्ड अनियन हेयर ऑयल में BST जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। दोस्तों, ऑयल एक ऐसी चीज है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने की कोई जरूरत ही नहीं। ये जो हमने घर पे तेल तैयार किया है इसे 6 महीने आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स के। ऊपर से कॉस्मेटिक कलर डाले होते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी डाली गई होती है। और ये सिर्फ केश किंग अनियन हेयर ऑयल की ही बात नहीं बल्कि बाकी ब्रांड्स की भी ऐसी ही कहानी है। वहीं ये अनियन हेयर ऑयल अपनी आंखों के सामने बना है, इसमें प्याज का रस भी काफी मात्रा में है और बिल्कुल शुद्ध है, इसीलिए असरदार है। इस हेयर ऑयल की खुशबू कैसी है? इस अनियन हेयर ऑयल की खुशबू ओके है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्याज की खुशबू नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी खुशबू आए तो आप इस तेल को बनाते हुए प्याज के साथ साथ थोड़े कड़ी पत्ते भी डाल दें, इससे इसकी खुशबू काफी बेहतर हो जाएगी। क्या इसमें तिल के तेल के अलावा कोई और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? आयुर्वेद में मोस्टली जब मेडिसिनल ऑयल्स बनाए जाते हैं तो तिल के तेल का ही इस्तेमाल होता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि तिल का तेल हाईली पेनिट्रेटिव होता है, इसलिए शरीर के भीतर सूक्ष्म नाड़ियों तक पहुंचकर असर करता है। दूसरा ये कि तिल का तेल हर बॉडी टाइप को इजीली सूट कर जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो तिल के तेल की जगह नारियल का तेल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेना कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का तेल ही। मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स दे दिए हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इन महंगे नकली खुशबू और मिनरल ऑयल वाले जहरीले तेलों को नमस्ते कर इस रियल और असरदार अनियन हेयर ऑयल को घर पे बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने बाल बचाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। क्या आप भारतीय मार्केट में एक टॉक्सिन फ्री फेस सीरम ढूंढ रहे हैं? तो मामा अर्थ का फ्लावर्स ऑफ यूथ एसेंस सीरम एक अच्छा ऑप्शन है। पैक घुमा के देखें और आप पाएंगे कि इसमें ना तो मिनरल ऑयल, ना EDTAs, ना हार्श एल्कोहल्स, ना आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस डाली गई है। डेजी, हिबिस्कस और लोटस के फूलों से बना ये एक सेफ केमिकल फॉर्मुलेशन है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स लेके चेहरे पे ऊपर से मसाज करें। ये फेस सीरम मेन और वेमेन सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, फिर भी पैच टेस्ट कर लें। मामा अर्थ के टॉक्सिन फ्री फ्लावर्स ऑफ यूथ एसेंस सीरम को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन ई के जबरदस्त फायदे तो इस वीडियो को जरूर देखें। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।